फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आप किस तरीके से ब्लूटूथ से आप स्पीकर को प्ले कर सकते हैं, यानी कि बजा सकते हैं और उसको पेयर कर सकते हैं। तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये पेयर हो जाता है। बस आप देख सकते हैं ये हमारा पेयर हो चुका है, कनेक्टेड फॉर दिस ऑडियो। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो चुका है। आप कभी भी आप बजाएंगे म्यूज़िक वगैरह तो उसमें बजेगा ब्लूटूथ के ज़रिए। तो चलिए शुरू से जानते हैं इस स्टेप को कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स, इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटे का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग में, ये रहा सेटिंग। सेटिंग में जाने के बाद आपको ब्लूटूथ को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और यहाँ पर सर्च कर लेंगे। सर्च करते ही आपको उस पर क्लिक करना है और वो कुछ ही समय में आपका पेयर हो जाएगा। पेयर होते ही आपका क्या होगा कि आपका वो चलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर YouTube भी चलाएंगे तो आपको वहाँ पे YouTube में जो भी प्ले करेंगे वो आपको उसमें प्ले होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो आप कोई भी चीज़ प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पे मतलब उसमें प्ले होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से इस फीचर्स का मतलब पेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये जानकारी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।